साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। जांच की रफ्तार तेजी से आगे चल रही है और अब बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने की भी उम्मीद है। हालांकि इससे पहले पूछताछ जारी है और जल्द ही आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि पहली बार इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है। पहली बार दिशा सालियान केस में बोले हैं और खुलकर बोले हैं, जिसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या दिशा केस में वाकई सबूत ही नहीं है या फिर सबूतों को ही नष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ क्या उद्धव ठाकरे ने अकेले में आदित्य ठाकरे को लताड़ा लगाई है, फटकार लगाई है? तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे पहले दिन से ही कई लोगों के रडार पर है। हालांकि तब महाराष्ट्र में उनकी ही सरकार थी, खुद आदित्य ठाकरे मंत्री भी थे। ऐसे में बीजेपी के लोग ये आरोप लगाते रहे कि आदित्य ठाकरे को बचाया गया, उन पर चार्ज नहीं लगाए गए, सबूतों को गलत तरीके से इधर उधर डाइवर्ट किया गया और दिशा सालियान केस की जाँच ठीक तरीके से नहीं हुई। अब करीब 3.5 साल बाद महाराष्ट्र में उसी दिशा सालियान केस की जाँच हो रही है और उसी केस में एसआईटी का गठन किया गया। इस बार तो बीजेपी के साथ साथ पुलिस के रडार पर भी पहला नाम, सबसे बड़ा नाम आदित्य ठाकरे का ही है। अब इसी दिशा सालियान केस पर पहली बार तब के मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे बोले हैं। जी हाँ, पहली बार ठाकरे ने मुंह खोला है इस पूरे मामले पर। उद्धव ठाकरे ने एक मराठी चैनल से बातचीत में कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है और उनको सबूत मिलेंगे भी नहीं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस भी मामले में पुलिस के पास या जांच एजेंसियों के पास सबूत नहीं होते हैं तो उस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया जाता है और ऐसा ही कुछ दिशा सालियान इसमें भी हो रहा है। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने जो सबूत दिए उन पर तो कोई गौर नहीं किया गया, उनको देखा तक नहीं गया और यहाँ दिशा केस में एसआईटी से जांच कराई जा रही है। इस जांच में कुछ नहीं निकलने वाला, कोई सबूत ही नहीं है तो कुछ कैसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि सबूत था ही नहीं या फिर सबूत बचा ही नहीं। जी हाँ, यही बड़ा आरोप बीजेपी के लोग पहले दिन से लगाते रहे हैं कि दिशा सालियान के मामले में सबूतों को नष्ट किया गया, गवाहों को डराया धमकाया गया। लिहाजा अब उद्धव ठाकरे के बयान से भी हैरानी हो रही है, सनसनी मच गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि उनके बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। ये भी नहीं कहा कि आदित्य का इस मामले से लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि साफ साफ ये कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत मिलेगा भी नहीं और बिना सबूत के एसआईटी कुछ नहीं कर पाएगी। अब मीडिया रिपोर्ट में ये भी खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को फटकार लगाई और ऐसे मामलों से, ऐसे विवादों से, ऐसी कंट्रोवर्सी से दूर रहने की हिदायत दी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे जिस तरह से बॉलीवुड के लोगों के करीब रहते हैं, उनके साथ पार्टी करना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ये पसंद ना आया हो, क्योंकि अगर बॉलीवुड के लोगों के साथ उठना बैठना आदित्य ठाकरे का नहीं होता तो शायद दिशा मामले में फंसते भी नहीं, नाम भी नहीं आता, इस तरह से बवाल भी नहीं होता। अब जो भी है, पहली बार दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे बोले हैं लेकिन सबूतों को लेकर बड़ा सवाल छोड़ दिया कि क्या वाकई में सबूत है ही नहीं या फिर सबूतों को छोड़ा ही नहीं गया। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।